दोस्तों आजकल मैक्सिमम किसान पडलिंग के लिए फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर खरीदना पसंद कर रहे हैं, लेकिन फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फोर व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल की रखरखाव कैसे करना चाहिए वो ज्यादातर किसान जो है नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मशीनरी ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट एक्सल प्लेनेटरी टाइप का और दूसरा होता है बुल एंड पिनियन टाइप का, जिसे वाटर सील्ड एक्सल भी कहते हैं। पडलिंग काम के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सल होता है। स्ट्रेट प्लेनेटरी एक्सल जो है ये कमर्शियल काम के लिए अच्छा होता है। हमने पहले से ही इन दोनों एक्सल के बारे में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हमने पहले से ही एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ फोर व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल की मेंटेनेंस के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों मैंने ये टिप्स जो है कई सारे इंजीनियर और टेक्नीशियन से बात करके और मेरी पर्सनल रिसर्च से इस वीडियो को जो है तैयार किया है, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंजीनियरों का कहना है कि फोर व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल की इस नट को हर 20 से 25 घंटे में खोलना चाहिए, जिससे इसके अंदर बनने वाले हॉट गैस बाहर निकल जाए। अगर ऐसा हर 20 से 25 घंटे में नहीं करेंगे तो जल्द ही जो है फ्रंट एक्सल की ऑयल सील लीकेज प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों जब ट्रैक्टर चलता है तो एक्सल के अंदर बुल पिनियन घूमता है, अंदर घंटों तक पुर्जे घूमने की वजह से अंदर घर्षण होता है और उससे गर्म गैस पैदा होता है, और वही गैस को अगर हम टाइम टाइम पे नहीं निकालेंगे तो वो खुद ही बाहर निकालने की रास्ता बनाएगा और फाइनली ऑयल सील को ही डैमेज करके गैस बाहर निकलेगा। अब हम बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल में ऑयल कितना डालना चाहिए। दोस्तों फोर व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल में ऑयल डालने की भी एक विधि होती है। कभी भी ऑयल फुल नहीं डालना चाहिए, एक्सल के अंदर थोड़ा स्पेस रखना चाहिए, जिससे जब एक्सल के अंदर गैस बने तो उसी स्पेस में रहे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डिपस्टिक में बनी निशान आपको दिख रहा है, बस इस निशान के निचले हिस्से तक ही आपको ऑयल डालना है, और जब 20 से 25 घंटे बाद डिपस्टिक नॉट खोला जाए तब वह हॉट गैस बाहर निकल जाए। इसी तरह से अगर आप अपने ट्रैक्टर की फ्रंट एक्सल की मेंटेनेंस करेंगे तो आपके ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की लाइफ जो है सालों साल तक बनी रहेगी। याद रखने के लिए एक बार और बता दूं, हर 20 से 25 घंटों में एक बार डिपस्टिक नट खोलना चाहिए। फ्रंट एक्सल में ऑयल हमेशा स्टिक में दिए गए निशान के निचले हिस्से तक ही डालना चाहिए और फ्रंट एक्सल के अंदर थोड़ा स्पेस रहने दीजिए, फुल ऑयल कभी भी मत डालिए, कंपनी निर्धारित ऑयल ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऑयल के साथ ग्रीस भी मिला देते हैं, ये बात कुछ ट्रैक्टरों में लागू होती है, लेकिन मिलाने से पहले कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलर से एक बार जरूर पूछ लें। कभी भी अपने मन के हिसाब से फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में टायर साइज ना बदलें, जो टायर साइज कंपनी फिटेड आता है उसी हिसाब से ही टायर खत्म होने के बाद टायर चेंज करें। अगर आपके मन में फिर भी खुजली हो रही है कि ट्रैक्टर में बड़े टायर डलवाने के लिए, तो एक बार ऑथोराइज्ड डीलर से पूछ लें। याद रहे हमेशा फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को रोड पर 20 से अधिक स्पीड में 4x4 मोड पर ना चलाएं। अगर आप रोड पर चला रहे हैं तो 4x2 मोड पर चलाएं। ये पांच चीजें अगर आप अपने ट्रैक्टर में ध्यान रखते हैं तो आपके ट्रैक्टर की फ्रंट एक्सल की लाइफ जो है दुगना बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही मशीनरी रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मशीनरी ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास में दिया गया बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।